Hello to Myself, We had लेके और कुछ ड्रग्स वाला जो टॉपिक है आपके एनसीआर में उसको डील करेंगे ठीक है और इसके जो पहले वाले लेक्चर हो चुके हैं लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था लाइक मलेरिया एंड कैंसर वाले डिजीज को लेके तो अभी तक आप लोगों ने अगर लेक्चर्स पढ़े नहीं है तो मैं बोलूंगा कि आप लोग स्टार्टिंग से लेक्चर्स के सारे विडियोज देखे और अपना लिंक बना लें इस लेक्चर के साथ ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं विद द टॉपिक कॉल्ड एज एड्स अभी एड्स ये जो बीमारी है इसके बारे में आधे जानकारी तो आप लोगों को ऑलरेडी होगी ठीक है तो आज हम लोग इसको थोड़ा सा सिक्वेंशियल स्टडी करेंगे जैसे कि इसका फुल फॉर्म होता है एक्वाड इम्यूनो डेफिशियंसी सिंड्रोम ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों ने जैसे कि लोअर क्लास लाइक क्लास टेन से ही इसके बारे में पढ़ना चालू किया रहेगा कमिंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी अभी हम लोग इसको डील करेंगे ओके इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ द सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी तो ये जो लाइन है यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है इट इज अ सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी ओके तो हमारे इम्यूनिटी के साथ इसका कुछ रिलेशन है जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी जो है वो लॉस्ट होती है कैसे होगी ये सारी बातें हम लोग करेंगे ठीक है

इसको शॉर्टकट में लिखा जाता है एचटीएलवी ये फर्स्ट रेट्रोवायरस था और वन लिखा है दैट मींस इट वाज द फर्स्ट आइडेंटिफाइड वायरस ओके इन द ईयर ऑफ 1970s नाउ अ टाइप ऑफ द वायरस दैट कॉसेस द ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर तो ये जो वायरस था एचटीएलवी ये ल्यूकेमिया नाम की डिजीज को मतलब कैंसर को कॉज करता था नॉट जबकि नॉट टू द एड्स ओके ये आप लोगों यहाँ पे ध्यान रखना है ये ब्रैकेट में जो लिखा है इट इज नॉट फॉर द एड्स इट इज ओनली फॉर इट इज काइंड ऑफ ब्लड कैंसर इसके बारे में हम लोगों ने कैंसर में भी बात की थी, ओके द कैंसर जस्ट इसके पहले मलेरिया एंड कैंसर वाली वीडियो जो अपलोड हुई है उसको देखो आप लोगों को समझ में आ जाएगा ठीक है प्रोफेसर कॉलेज मोन्टेगनर पैशर ओके इन पेरिस इन ईयर ऑफ नाइनटीन

ड्यूरिंग दर ऑफ नाइन सिक्स अफ्रीका वॉज कंसिडर एज अ कैपिटल फॉर द एड्स इन द वर्ड क्योंकि अफ्रीका में काफी तेजी से यह बढ़ रहा था वायरस वॉज आइडेंटि ह्यूमन सेल लुकेम वायरस थ्री करके इसको लेबलिंग किया गया बट एज टोल्ड बिफोर ओनली जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ okay? तो ये हम लोगों ने बात की थी अभी इसके स्ट्रक्चर को यहाँ पे जो डिफाइन किया गया है तो बिफोर एंटरिंग इनटू द डेफिनेशन ये एक डायग्राम है आपके सामने रखना चाहूंगा इसको देखो शायद आप लोगों ने ये क्लास में बनाया होगा तो अभी यहाँ पे ध्यान देने वाली बात आ जाती है तो इसको देखो ठीक से समझ लो ओके okay? सबसे ज्यादा जो बाहर से ये ग्लाइको प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोग देख रहे हो है ना एलिवेटेड स्ट्रक्चर देख रहे हो ना बाहर से स्वेलिंग लाइक यू कैन से आर एज ग्लाइको प्रोटीन स्पाइक्स ये पूरे वायरस के ऊपर

और इसके साथ में अगेन यू कैन सी अ प्रोटीन कोट लेयर यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगी अंदर से फाइन तो ये हो गया एक जनरल डिस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू द एड्स वायरस तो ये कुछ ऐसा दिखता है ओके okay. नाउ अभी जो ऊपर डिस्क्रिप्शन दिया है इसके बारे में बात करते हैं चलो सी स्ट्रक्चर ऑफ द एचआईवी वायरस सो वायरस इज एक्चुअली स्फेरिकल विद अ डायमीटर ऑफ अबाउट 90 टू 120 नैनोमीटर

so it is very important to understand the process also कि virus कैसे अपने body में enter कर जाते हैं और कैसे divide होते हैं तो same mode of action after the entrance of the virus into the body of the person the virus enters into the macrophage okay where the RNA genome of the virus is replicated to form a viral DNA यही हो गया reverse transcriptase वाली process with the help of an enzyme called as a reverse transcriptase okay now the viral DNA which is getting incorporated into the host cell the DNA and the डायरेक्ट दैट इनफेक्ट द सेल प्रोड्यूस द वायरस देखो जो वायरल डीएनए बना है वो हमारे डीएनए के साथ जुड़ जाएगा और जैसे जैसे हमारा डीएनए एक्ट करता है वैसे वैसे साथ में वायरल डीएनए का भी काम हो जाएगा मतलब क्या सी जैसे कि मान लो ये हमारा डीएनए है और इसके साथ ये छोटा वाला वायरल डीएनए जुड़ चुका है तो ये डीएनए अगर जब रेप्लीकेट करेगा तो साइमली ये भी रेप्लीकेशन करेगा अगर ये पूरा डीएनए स्ट्रैंड अगर मुझे प्रोटीन बनाने के लिए मदद कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए मदद कर रहा है सो इवन आई एम गेटिंग अ प्रोटीन विद रिस्पेक्ट टू द वायरल डीएनए ऑल्सो है ना तो ये सारी बातें होती है जो कनेक्टेड होती है ओके सो दिस इज वॉट द इनकॉर्पोरेशन विद द होस्ट सेल है ना नेक्स्ट

सी और शी इज बिकम्स अ वेरी लाइक डल इन नेचर ओके तो ये बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों को okay? ओके so, तो यहाँ पे मैं बात करूंगा शी विल अनेबल टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ और अगेंस्ट हर सेल्फ

के ऊपर भी देखने मिलते हैं तो ये मान लो ये बाहर से नॉबलाइक no स्ट्रक्चर ऐसे होता है सेल के ऊपर ये मान लो सेल की मेब्रे में और ये दिस इज हाउ इट कैन बी लोकेटेड तो यहाँ का जेनेटिक मटेरियल इसके थ्रू होते हुए ये कम्पलीटली इट विल एंटर इन द Host cell, बात समझ में आ रही है तो ये ऐसे करके एंटर कर जाते हैं। So see, this is how the viral RNA will be getting incorporated into the host cell. Now, not only that, along with that there is an enzyme called as a reverse transcriptase is also going to enter. Okay? अब ये reverse transcriptase enzyme RNA को रीड करके उसका complementary strand बनाएगा, लेकिन DNA Wala. Okay? That DNA will go into enter into the human DNA. Okay? तो so, human DNA के साथ incorporate हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा? See, new viral RNA is produced.

human body okay ab ye viruses can ready for infecting the other cells also okay so this is how the viruses are getting replicated in our body aur ye process kafi fast hoti hai okay so infected cell can survive while viruses are been replicated and released okay तो अभी इसके transmission को लेके बात करते हैं ये तो general structure है जहाँ पे आप लोगों को काफी सारी बातें already पता होंगी ठीक है तो अभी ये बढ़ते हैं आगे lecture में see? viruses of the AIDS is transmitted via blood and the semen okay next transfusion of the infected blood or the blood products in contact with AIDS virus okay use of contaminated needles syringes injected drugs or vaccines all these are the zaria for you can say getting coming in contact with the viruses next use of contaminated razors use of contaminated needles फॉर बोरिंग पिननेस ओके मतलब जो कान में लाइक हम लोग बाली वगैरह पहनने के लिए जो होल्स वगैरह करते थ्रू डेट एक्टिविटी ऑल्सो एड्स वायरस कैन स्प्रेड इजिली

ओके okay, सो so इतने देर तक दस साल तक अगर वो इंक्यूबेशन पीरियड दिखा आएंगे kind of okay, अलावा, अलावा, जैसे कि देख लो फीवर देखो लिथार्जी फेरजाइटिसड एक रैशेस ऑन द बॉडी दिस ऑल एक्सेट्रा सिम्टम्स विल बी देर अभी इसको डिटेक्ट कैसे किया जाता है इसको डायग्नोसिस कैसे किया जाता है तो एलिसा नाम होता है एनजेन लिम enzyme linked immunosorbent assay so this is the activity which is performed to diagnose the aids okay so नॉर्मली पेशेंट का जो सैंपल ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें से एड्स वायरस को चेक करते हैं एक्चुअली क्या चेक किया जाता है तो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स चेक किया जाता है ओके व्हाट डू मीन बाय एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स एंटीजन यानी एड्स वायरस हो गया और एंटीबॉडी जो मतलब हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा तो नहीं है कि कुछ किया नहीं रहेगा कुछ ना कुछ जो भी एक्टिविटी की रहेगी ना अगेंस्ट दैट एड्स वायरस वो हमको यहाँ पे एजाइमलिंग एस एम पता चल जाता है इसके थ्रू फिर हम लोग बताते हैं वेदर द पर्सन इज पॉजिटिव और द नेगेटिव ओके सो दैट इज द केस ओवर ईयर एंड सेकंड टेस्ट इज द वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक ओके वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट कैन बी परफॉर्म्ड ओवर हियर ट्रीटमेंट क्या हो सकता है देर इस नो क्योर फॉर द एइज़ बट हावेवर देर आर सम काइंड ऑफ ड्रग्स विच कैन गिव्स अ काइंड ऑफ यू कैन रिलैक्सेशन तू द पर्सन मतलब थोड़ा तो ज़्यादा देर तक जिंदा या फिर सर्वाइव करने की एबिलिट

लेकिन फिर भी वर्ल्ड एड्स डे नेक्स्ट ब्लड टेस्ट करना होता है सीमेंट टेस्ट करना होता है ऑर्गन डोनेशन के पहले ऑर्गन को टेस्ट किया जाता है लाइक किडनी लंग लीवर ये सारे चेक किए जाते हैं ओके नेक्स्ट हीमोडायलिसिस करने के पहले भी ये सारी बातों को चेक करना जरूरी है नेक्स्ट प्रेग्नेंट वुमेन

के वायरस जो है वो ऐसे कहीं भी ऐसे स्प्रेड ना हो कोई भी बंदा इसके कंटामिनेशन के इफेक्ट में ना आए कॉन्टेक्ट में न आए ये सारी बातें बहुत जरूरी है ओके ओके एंड दैट इज इज अ एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सम आर आर लाइक नॉन गवर्नमेंटल डूइंग वेरी गुड वर्क टू एजुकेट द पीपल दे लाइक वो लोग अपने अपने प्रोजेक्ट बनाते हैं एरिया वाइज जाके वहाँ पे लोगों को एजुकेट करते हैं उनको अवेयरनेस स्प्रेड करवाते हैं स्लोगन्स वगैरह लेके जाते हैं तो ये सारी चीजें बहुत मदद करती है ताकि लोग एड्स के कॉन्टेक्ट में न आए ओके That is all the, All about the AIDS. Now we are entering into the very important part of your NCERT. That is the drug and the alcohol abuse area. बहुत ही ज़्यादा important है यहाँ से questions आते हैं NEET exam में. Okay, so you should be very alert. और काफी easy भी है आप लोग easily deal भी कर लोगे. Okay, so proper education. See, proper education should be एंड द गाइडेंस शुड भी प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू दिस ये तो पहली बात तो जरूरी है क्यूँ क्यों, क्यों ये जो टॉपिक है आपके एनसीआरटी में है क्योंकि यूथ जो है आज की वो थोड़ी सी लाइक थोड़ी सी बोल सकते हैं ना काफी अलर्ट रह सकती है अगर ये सारे टॉपिक्स को अगर ठीक तरीके से पढ़ाया पढ़ाया जाए 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 या डील करवाया उनको अंडरस्टैंडिंग करवा के दिया नहीं तो उनके लाइक रॉन्ग पाथवे पे जाने के ज्यादा चांसेस आ जाते हैं उनके बिहेवियर में काफी सारे चेंजेस आ जाते हैं उनकी लाइफ चेंज हो जाती है वो रॉन्ग कंपनी के कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं तो ये सारे जो प्रॉब्लम अराइज होती हैं जिनके कारण सोसाइटी में भी काफी सारी दिक्कत हो सकती है है ना तो ये सारी प्रॉब्लम्स को आज के यंगस्टर्स कैसे डील कर रहे हैं इसको समझाने के लिए ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया गया है ओके सो सी प्रॉपर एजुकेशन एंड द गाइडेंस वुड एनेबल द यूथ टू सेफगार्ड देमसेल्फ अगेंस्ट दिस डेंजरस बिहेवियर पैटर्न एंड फॉलो हेल्दी लाइफस्टाइल्स ओके जो आज के डेट पे काफी ज्यादा मायने रखता है ओके नेक्स्ट ड्रग व्हिच आर कॉमनली अब्यूज्ड और एपोइड्स सी ओपियोइड्स कैनाबिनॉइड्स एंड द कोका अल्कलॉइड्स मेजॉरिटी ऑफ दिस आर एक्चुअली ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड सम आर ऑब्टेन फ्रॉम द तो so, चलो अभी सबसे पहले ओपियोइड्स को लेकर डील करते हैं ये सीधा सीधा आपके एनसीआरटी से ही लिया गया है ओके यहाँ वहाँ से उठाया नहीं है तो आप लोग एनसीआरटी पढ़ लेना इसके बाद आप लोगों को काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा ठीक है ये कुछ पॉइंट है जो मैंने सिस्टमेटिक वे में अरेंज कर दिया दिस इज द वेरी की फीचर्स यू कैन से जहां से क्वेश्चन आते हैं ओके, okay? सो so, जो है ये बाइंड करते हैं कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को लेके जिनको हम लोग ओपियोइड रिसेप्टर कहते हैं हर हार्मोन का अपना अपना खुद का एक रिसेप्टर होता है जहाँ पे वो अपनी बाइंडिंग करता है फिर बाकी का प्रोसीजर करता है ठीक है हम लोगों ने क्लास इलेवेंथ में इसको लाइक केमिकल मैसेजर्स के बारे में पढ़ा है इन द चैप्टर अ लाइक केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, राइट तो ये ये जो हमारा जो लास्ट पार्ट है जहाँ पे हम लोगों ने सारे हार्मोन्स को लेके पढ़ाया था वहाँ पे मैंने प्राइमरी मैसेंजर सेकेंडरी मैसेंजर ये सारी बातों को लेके बात किया था लाइक मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन वाले टॉपिक में लेकिन नहीं आपके एनसीआरटी में लास्ट में उसका एक डायग्राम भी दिया हुआ है सो so, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के एग्जाम के अकॉर्डिंगली ठीक है सो नेक्स्ट प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द गैस्ट्रो इंटस्टैनल ट्रैक तो ये ओपियोड के जो स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में लोकेटेड होते हैं एंड गैस्ट्रो इंटस्टैनल ट्रैक में भी लोकेटेड होते हैं हीरोइन इज इज कंसीडर एज अ ओपियोइड ड्रग ओके व्हिच इज कॉमनली नोन एज अ स्मैक तो यही आपके सामने ऐसे क्वेश्चंस आते हैं वेरी कॉमनली नोन एज अ स्मैक Commonly known as also see chemically, also known as a diacetyl morphine. This is what the chemical name next. अभी इनकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं so करके है, ये ऑप्टेंट ये है, किए जाते हैं एंड नॉर्मली इट इज ऑप्टेंड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पॉपी प्लांट जो मिल्की व्हाइट लेटेक्स निकलता है ऑफ पॉपी प्लांट का उसमें से ही ये सारी ड्रग्स को ऑप्टेंट की जाती है पॉपी प्लांट का साइंटिफिक नाम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं सो so याद रखना है पापावेर सोमिनी फेरम ओके okay? अभी इसको समझने के लिए बहुत आ, बहुत इजी है डिप्रेसेंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, uh, है।, 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 okay? so like है। यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं बच्चा लोग ओके स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन काम क्या है तो एक बार इसको इंटेक करने के बाद ये हमारे पूरे बॉडी फंक्शन को डाउन कर देता है ओके okay? स्लो कर देता है दिस इज हाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी आस्ट इन द एग्जामिनेशन देखो केमिकल स्ट्रक्चर आप लोगों को कंपलसरी प्रैक्टिस करना है ये स्ट्रक्चर है मॉर्फाइन का जो कि एग्जाम में पूछा जाता है एंड दिस इज हाउ द प्लांट ऑफ द पॉपी लुकलाइन ओके नेक्स्ट

क्या क्या ड्रग्स हम लोग यहाँ से ले सकते हैं जैसे कि देखो हाशिश चरस गांजा दीज आर द गांजाइंड ऑफ द ड्रग्स आर फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्लावर टॉप लीव एंड इन ऑफ तो ये सारी चीजों को कंबाइंड फॉर्म में भी ऐसे ये सारे ड्रग्स को ऑप्टेन किया जाता है विच टेकन नॉर्मली बाय द इनलेन एंड ओरल इंजेक्शन ओके इफेक्ट क्या करता है सो इट इट इज नॉर्मली हैविंग इफेक्ट्स ऑन द हार्ट दैट इज नॉर्मलीज कार्डियोस्कुलर सिस्टम इज गेटिंग डिस्टर्ब ओवर हियर ओके सो दैट इज अ केस ओवर हियर कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट अगर इनके केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो देख लो ये ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर है आपको कंपलसरी याद रखना है इवन द डायग्राम इज ऑल्सो फोटोग्राफ आपके स्क्रीन पे है leaves of the cannabis saliva, very, very important है ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके कमिंग टू नेक्स्ट हम लोग जो एंटर कर रहे हैं नए टॉपिक में दैट इज द कोका अल्कोलॉइड जिसको कॉमनली कोकेन के नाम से भी कहा जाता है इट इज ऑप्टेड फ्रॉम द कोका प्लांट इसका जो साइंटिफिक नाम है दैट इज अरिथ्रोजाइल कोका जो कि साउथ अमेरिका में पाया जाता है

नेक्स्ट जो है आपके सामने आ रहा है एट्रोपा बेलाडोना एंड दतुरा विच शोज हेलिसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज ओके एट्रोपा बेलाडोना एंड द नेक्स्ट दिस ड्रग्स आर सी दिस वो फॉर्म में भी कंज्यूम किए जाते हैं सो डैट ये एनर्जी को बूस्टअप करता है इन द स्पोर्ट्स एंड दे कैन डू लाइक जो नॉर्मल एक्टिविटी रहती है उससे दुग्ना काम करने की एबिलिटी डेवलप करता है दैट ड्रग्स ओके दैट इज द पावर ऑफ द ड्रग्स नेक्स्ट बारबी ट्यूरेटेन बेन्स

नम कर देता है सेंसलेस कम कर देता है है जिसके कारण जो पेन जो पेन वगैरह पर्सन फील करता है, वो कम हो जाता है पेशेंट्स का और सर्जरीज में इसको काफी अच्छे से यूज किया जाता है नॉर्मली जो पहले के जमाने में जो वॉर्स हुआ करते थे तभी वहां पे जो अफेक्टेड पर्सन रहते थे उनको ये मोरफाइन खिलाया जाता था ओके सो दैट वो लोग का जो दर्द वगैरह रहेगा वो कम हो जाएगा इन दैट सेंस नेक्स्ट अगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे दिस इज़ हाउ प्लांट लुक लाइक ये उसका फ्लावरिंग है जो की शंकर फूल भी कहते हैं हम लोग नॉर्मली शंकर भगवान को चढ़ाते हैं ओके सो दिस इज हाउ एक्चुअली द प्लांट लुक लाइक फ्लावर लुक लाइक ओके जो की फनल शेप होता है व्हाइट कलर में फ्लावर्स आप लोग देखते हो नॉर्मली ठीक है नेक्स्ट कमिंग टू द नोट्स िन so, जो एक स्ट्रेस हार्मोन भी माना जाता है को, और ये दोनों अपने एक्टिविटी uh, को डिफरेंट इंडिकेट करता है अगर एड्रलिन स्ट्रेस को बढ़ा रहा है तो नॉन एड्रलिन उसको कम भी कर रहा है मेंट इज वट द एक्टिटी ओवर

बहुत इजी चैप्टर है आराम से डील कर लोगे खास करके ड्रग पार्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर से अभी के लिए थैंक यू